सद्गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अश्वहरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पियाजी को पल पल करो प्रणाम। रखे वजूद को हुक्म जेते दिन रख्या चाहे। रूहो खेल दिखावने कैविद जुगत बनाए। कैविद जुगत बनाए आत्म तो फरामोश में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप धाम धनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म सृष्टियां आई और ब्रह्म सृष्टियों के आने के बाद आत्म तो फरामोश में कि आत्म फरामोश में यानी के जिन आत्मा की दृष्टि संसार की तरफ लगी इस वजह से आत्माएं इस संसार के विषयों की तरफ जीव के माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से जुड़ गई। जो आत्म जीव इंद्रियों के माध्यम से संसार की तरफ जुड़ी जिस इंद्रियों की वजह से आत्मा को इस संसार का खेल देखने का अवसर प्राप्त हुआ यही इंद्रियां जो संसार की ओर जीव को आकर्षित करती है और जीव को आकर्षित करती आत्मा अरे इंद्रियां ये इंद्रियां धीरे धीरे जीव को फिर जीव आत्म को इस वजह से आत्मा इस संसार की तरफ अपनी दृष्टि कर लेती है और जब आत्मा संसार की तरफ अपनी दृष्टि करती है उस समय उसके लिए परमात्मा की याद उसको नहीं आती और परमात्मा की याद ना आने की वजह से परमात्मा को भूल जाने की वजह से एक पर्दा खड़ा हो जाता है। जो पर्दा जिसको कई बार मुंह का पर्दा भी बोलते हैं फरामोश का पर्दा है। जो पर्दा हमारे नजीक है जिस पर्दे को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। वर्षों निकल जाते हैं इस पर्दे को समझने के लिए पर इस पर्दे से बाहर आने के लिए इस पर्दे से हटने के लिए राज्य महाराज ने श्रृंगार ग्रंथ के अंदर वर्णन किया कि इस पर्दे का तोड़ क्या है। इस पर्दे को हम कैसे हटा सकते हैं जो हमारे ऊपर लगा है क्योंकि जो इंद्रियां पांचों विषयों की ओर आकर्षित होती हो शब्द रूप रस गंध स्पर्श इन सभी तरफ आकर्षित होने वाली इंद्रियों को हम जब तक रोकेंगे नहीं तब तक ये इंद्रियां जीव को और मन और अंतस्करण को दौड़ाती रहेगी और जब तक अपना मन अंतस्करण और बुद्धि इंद्रियों के पीछे भागेगा हमारा मन है जो संकल्प विकल्प करता हुआ अच्छे बुरे सभी विचारों में लीन रहता है। बुद्धि इन सारी चीजों में विवेचना में लगी रहती है और हमारी आंखें रूप को देखने के लिए लगी रहती हैं। हमारी जीवा है दुनिया के सारे खाने वाले रसों को रसास्वादन करने के लिए लगी हुई है। जिसको केवल इस दुनिया का ही सुख चाहिए नौ रसों को आनंद लेने वाली ये इंद्रियां हर तरह से कोशिश में लगी रहती है कि हमें संसार का सुख मिले और जो इंद्रियां संसार का सुख चाहती है उस इंद्रियों को परमात्मा का सुख कैसे मिलेगा। इंद्रियों को तो संसार का सुख ही नाश कर देता है
भर्तृहरि कहते कुरंग मातंग पतंग भृंगा मिना हिता पंच भीरेव पंच, एक प्रमादी स कथम नान्यात यह सेवते पंच भीरेव पंच। कि हे मानव, मछली की रसास्वादन इंद्री जीव जीवा, ये जीवा के कारण से मछली अपने प्राण को गवा देती है। हिरण अपने कानों के कारण से यानी श्रवणा के द्वारा केवल म्यूजिक संगीत को सुन करके शिकार के शिकंजे में आ जाता है, और आंखों से देखने वाले मानव जो सदा इस दुनिया के सुंदरता को नश्वरता को देखते हैं, जो सुंदरता के पीछे भागते हैं, उन सभी का जीवन धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। स्पर्श, एक हाथी अपने स्पर्श के लिए अपने जीवन को तबाह कर देता है। कह रहे कि यही इंद्रियां हैं जो जीव को इस संसार में डुबो के रखने के लिए पर्याप्त है। यही इंद्रियां संसार के अंदर ऐसे समझो जैसे कई बार केकड़ा होता ना, जैसे 10 केकड़ों को एक साथ करो या 50 को एक साथ करो, एक भी केकड़ा किसी भी केकड़े को टोकरे से बाहर नहीं निकलने देता, इतना सामर्थ्य इस इंद्रियों के अंदर है। एक उदाहरण देता हूं, एक बार एक मछली का टोकरा और एक केकड़े का टोकरा भर के जो मछुआरा था वो लेके जा रहा था। जाते जाते जब मछलियां उछल उछल करके निकल रही थी, उस टोकरे में से सारी मछलियां निकल गई, पर एक भी केकड़ा जो था उसमें से एक भी नहीं निकला। बाद में पता चला कि ये निकला क्यों नहीं, टोकरा नीचे उतार करके देखा तो हर किसी ने एक दूसरे में टांग फंसा के रखी थी, और टांग फंसा के रखने की वजह से मछुआरे को पता चला कि ये एक दूसरे से इसीलिए नहीं छूट पाए क्योंकि ये एक दूसरे से संकलाए हुए, एक दूसरे से लगे हुए, एक दूसरों की टांगों को पकड़ के रखे हैं, इस वजह से ये अलग नहीं हो सकते। ऐसी दशा इन इंद्रियों की है। ये इंद्रियां हैं जो पांचों विषयों की तरफ आकर्षित होती है, और पांच विषय इंद्रियों को आकर्षित करता है। फिर यही पांच इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां, यही पांच ज्ञान इंद्रियां मन को आकर्षित करती है। मन इंद्रियों के पीछे भागता है। यही मन बुद्धि को आकर्षित करता है, बुद्धि अहंकार को आकर्षित करती है, और अहंकार चित्त को अपने वशीभूत रखता है। धीरे धीरे जीव इन अंतस्करण के कारण से बंद जाता है। जैसे चारों कोने पर चार व्यक्ति खड़ा हो जाए और किसी व्यक्ति को दबा दे तो वो व्यक्ति कैसे उठेगा, क्योंकि उसको चारों तरफ से दबा रखा है। किसी ने पैर दबाया, किसी ने हाथ दबाया, किसी ने मुंडी दबाई, सब तरह से मान लो दबा रखा है, व्यक्ति जोर लगाएगा पर छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह इन पांच इंद्रियों जो ज्ञान इंद्रियां इनने और पांच चार अंतस्करण ने मिल करके, इन नौ तत्वों ने मिल करके जीव को ऐसा बंधन में डाला, इस वजह से जीव भयंकर बंधन में हो जाता है। और जीव के बंधन में होने के कारण से आत्मा फरामोशी में रहती, क्योंकि जीव संसार की तरफ भोगता है, और जीव के भोगतने के कारण से आत्मा जीव के अनुसार चलती है, और जीव के अनुसार चलने की वजह से धीरे धीरे आत्मा इस फरामोशी के पर्दे को तोड़ेगी। कब? तब ये वर्णन करे, आत्म तो फरामोश में भई, भई आड़ी निंद हुकम। कि इसको कैसी नींद लगी, तो कह रहे कि अज्ञानता की नींद लगी है। अज्ञानता की नींद का तात्पर्य है कि जिसको ज्ञान के मार्ग से हटा करके पूर्णतया अज्ञानता के मार्ग पर चढ़ा देना, और अज्ञानता के मार्ग पर चढ़ जाने की वजह से इंद्रियां पूर्णतया लिप्त हो जाती है, जीव पूर्णतया लिप्त हो जाता है। इसलिए उपनिषद में कहा है, कुर्वन नेवेह कर्माणि जिजी विशेष सतम तमा एवं तय नान्य थे तोस्ति ना कर्म लिप्यते नर। कि हे मानव, तो परमात्मा से लिप्त हो, तो उस परमात्मा के गुणों में आकर्षित हो, तो परमात्मा के गुणों की तरफ लोभ कर, परमात्मा का लोभ कर। पर हे मानव, तो इस दुनिया का लोभ मत कर और दुनिया की तरफ आकर्षित मत हो। यही आकर्षण एक दिन तुम्हारे बंधन का कारण बनेगा, यही आकर्षण एक दिन तुम्हें इस दुनिया के अंदर डुबो देगा।
अगले शब्द में कह रहे हैं सो फेर खड़ी तब हो भी, ये जागेगा कब? कह रहे हैं कि आत्म का जागृत होने का मार्ग है, नहीं ऐसा नहीं, पर जिस पर्दे को हटाने का ज्ञान यदि आत्म को मिल जाए, उसकी चाबी उसका हथियार उसको मिल जाए, तो ये आत्म उस पर्दे को हटा देगी। और यही हथियार वाणी के अंदर दिया है कि इस पर्दे को हटाया कैसे जा सकता है। दुनिया के अंदर और धर्म शास्त्रों में इन पर्दे को हटाने का वर्णन नहीं लिखा होगा, पर इस वाणी के अंदर उसके पर्दे को हटाने का वर्णन लिखा है। अगले शब्दों में वर्णन किया, रूह तेती जागी जानियो जेता दिल में चुभे हक, कि इस पर्दे को हटाने का मेन साधन क्या है? तो बोले इस आत्म को परमात्मा की ओर लगा दो, और परमात्मा की ओर लगाने के बाद इसी आत्म के हृदय स्थल के अंदर परमात्मा का वास करवा दो। जब परमात्मा का वास करवा देंगे, परमात्मा का अंग, परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा की छवि उसके हृदय में आने लगेगी, तो यही आत्मा जागृति की ओर मुड़ेगी और यही आत्मा फरामोशी के पर्दे को तोड़ देगी। जो अंग हृदय ना आया रूह के तेती फरामोशी संग, जब तक परमात्मा का स्वरूप, जब तक परमात्मा की छवि आत्मा के हृदय में नहीं आ सकती, तब तक ये आत्मा फरामोशी में रहेगी, यानी अज्ञानता की निद में रहेगी। इश्क बिना रूह के दिल चुभे ना सूरत हक, कि कब तक परमात्मा के बिना परमात्मा की छवि इस आत्म के अंदर नहीं आएगी? तो कह रहे कि इश्क बिना, कि जब तक परमात्मा का प्रेम ना हो, परमात्मा का इश्क ना मिले, तब तक बोले ये आत्मा जागृत नहीं हो सकती। और निश्चित है जागृत होने के बहुत सारे तौर तरीके हैं। एक वो मानव सोया हुआ है जो अंधविश्वासों में बंधा हुआ है, जिसको पता है कि यही हम कर रहे हैं वो गलत है, तो भी व्यक्ति करता जा रहा है, ये भी एक प्रकार की अज्ञानता की नींद है। एक वो व्यक्ति सोया हुआ है जो ज्ञान लेने के बाद भी चलने को तैयार नहीं है, उस मार्ग पर कदम भरने को तैयार नहीं, और एक वो व्यक्ति सोया हुआ है जो ज्ञान भी मिल गया, मंत्र भी जाप करता है, पर आत्मा से चितवनी नहीं करता है। इस प्रकार की जागृतियां होनी चाहिए कि एक सामाजिक जागृति हो जो मानव को अंधविश्वास से विश्वास की तरफ ले चले। जो मानव अंध परंपरा में डूबा है, सामाजिक स्तर से जितनी कुरीतियां हैं, जितने आडंबर है, इन सारे आडंबरों को तोड़ करके मानव एक सत्य की तरफ आए, ये सामाजिक जागृति है। और सामाजिक जागृति जो मन से और जीव से होती है, इस जीव की जागृति, जब जीव अंधविश्वासों से बाहर निकल जाएगा, गलत परंपराओं से बाहर निकलेगा, गलत परंपराओं से जब जीव बाहर निकलेगा, तो उसकी सामाजिक अवस्था की जागृति होगी, जीव की जागृति होने लगेगी। रही बात ज्ञान की जागृति, जो व्यक्ति ज्ञान तो जानता है पर कहां तक जाना है, इस जीव को कौन सी जगह ले जाना है, इन सभी जगह का पूर्ण ज्ञान ना हो जाए, तब तक ये जीव भी माया की घोर निद्रा में सो रहा है। इसलिए इस घोर निद्रा से सोते हुए जीव को जगाने के लिए उसको ज्ञान की जरूरत है। जीव ज्ञान के उजाले से जगेगा, और जब जीव को ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, तो यही जीव ज्ञान के माध्यम से जागृत होगा। और रही बात आत्मा की, तो आत्मा जो जागृत होगी परमात्मा के हृदय में आने पर। वाणी में दो तरह से जागना लिखा है, एक प्रकार का लिखा है कि एक ज्ञान से जागृति और दूसरी आत्मा से जागृति। ज्ञान से जागृत होने के कारण से व्यक्ति अंधविश्वासों से बचता, आडंबर से बच जाता है, और आत्मा से जागृति होने से व्यक्ति इस मोह भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। हमारे हाथ में है कि हम कौन सी तरह की जागृति में आगे आए। इसलिए इस वाणी के शब्दों में, अगले शब्द में कहा है कि क्या क्या परमात्मा का हमारे अंदर छवि आए और हम कैसे जागृत हों,
कह रहे हैं अधूर हरवटी नासिका दंत जुबाएं और गाल जो अंग आया हक का दिल में उठे रूह अंग उसी मिसाल कि जिस समय अधूर हरवटी यानी ये थोड़ी और अक्षरातीत का मुखारविंद जब आत्मा के हृदय में आने लगे आत्मा के हृदय में उसकी छवि आने लगे पल पल उस वस्तु को आत्मा याद करने लगे उठते बैठते सवन सपत जागृत दम ना छोड़े मासूक का जाकी असल हक निस्बत की जब आत्मा हर समय परमात्मा का चिंतन करने लगे मनन करने लगे तो समझ लीजिए कि आत्मा जागृति की ओर जा रही है। हर समय चिंतन करने का तात्पर्य है कि आप उसके चिंतन में डूबे रहिए। और जिस समय मानव पूरे चिंतन में डूबा रहता है सपोज मान लीजिए किसी ने एक दिन कह दिया कि तुम्हें कैंसर हो गया तो व्यक्ति पूरे दिन क्या सोचेगा कैंसर हो गया तो ये कैंसर के बारे में पूरे दिन सोचता रहेगा। जब रिपोर्ट में भी आ गया कि कैंसर हो गया जब तक व्यक्ति मरेगा नहीं तब तक उस कैंसर के टेंशन में ही जीता रहेगा या तो ठीक हो जाए या मर जाए। एक कैंसर में व्यक्ति टेंशन में बीमार हो जाता है। समझिए कि एक कैंसर का मरीज जितना सोच सकता है यदि इससे हमने कम भी सोच लिया तो भी अपनी आत्मा जागृत होगी और होगी क्योंकि चिंतन उस परमात्मा को होना चाहिए। और इसलिए वेद ने कहा है वेद इस बात को दर्शा देता है कहता है कि हे मानव तू कर्म कर पर कैसा कर्म कर समर्पित करते हुए कर्म कर यानी हर समय उस परमात्मा का चिंतन करते हुए कर्म कर। और जिस समय तू परमात्मा का चिंतन करते हुए कर्म करेगा वही कर्म परमात्मा की ओर जाएगा और वही तेरी जागृति मानी जाएगी। पर मानव अपने कर्मों को उस दिशा की ओर ले चले तो बाकी जब तक मानव इस कर्म को नहीं करेगा तब तक ही आत्मा सोती रहेगी और आत्मा फरामोशी के पर्दे में पड़ी रहेगी। पर यह फरामोशी के पर्दे से निकलने का जो हमें सिद्धांत राज जी महाराज ने बताया पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने बताया कि परमात्मा का अंग हमारे दिल में आना चाहिए परमात्मा की सारी स्वरूप और लीला हमारे दिल में आने लगेगी तो निश्चित रूप से अपनी जागृति होगी। जो तू ग्रह हक नैनन को तो नजर खुले रू नैन कि कब तुम्हारी नजर खुलेगी तो कह रहे कि जब तुम हक के नैन को यानी परमात्मा के नैन को जिस दिन आप अपनी आत्मा में ग्रहण करोगे तो नजर खुले रू नैन उस समय समझ लीजिए कि आपकी आत्मा की नजर खुली तब आशिक और मासुक के होई ना नैन नैन से चैन तब आशिक और मासुक यानी परमात्मा और आत्मा इन दोनों में अरसपरस होगा। और अरसपरस होने का फायदा क्या होता है इन दोनों के अरसपरस होने से ये दोनों एक स्वरूप हो जाएंगे और आत्मा और परमात्मा जब एक स्वरूप में अवस्थित हो जाएंगे कई बार रास का वर्णन किया जाता है कि एक बार कृष्ण राधा जी के पास बैठे और बैठे बैठे समय ऐसा आया कि राधा को देखते देखते कृष्ण राधा बन गए और राधा कृष्ण बन गई। दोनों एक दूसरे में अरसपरस हो चुके थे जैसे खांड और पानी को मिलाओ तो दोनों का स्वरूप एक हो जाता है। इसी तरह जब आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाए तो समझ लेना कि आत्मा की जागृति पक्की हो गई। इसलिए कबीर साहब के शब्दों में कहूं प्रेम गली अति सांकड़ी या में दोना समाय की प्रेम एक ऐसी चीज है कि जिसमें दो नहीं समाहित होते। जब मैं था तब हरि नहीं और जब हरि है तो मैं नाहीं ये संतवाणियों के शब्द है कि जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो समझ लीजिए कि हम नहीं हम अपना अस्तित्व मिटा देते हैं। इसीलिए एक ही शब्द कहा जाता है जब व्यक्ति गहन समाधि में जाता है जैसे ओम की साधना करने वाले जितने भी लोग मिलेंगे
उनको ओम की साधना करते करते एक शब्द सुनाई देता है, ओम के बाद वो दूसरा शब्द प्रयोग करते सोहम, कि जो परमात्मा है वो मैं हूं और मैं हूं ही परमात्मा है। ये अवस्था कब आती है? ये अवस्था तब आती जब वाणिनी में इस बात को कहा ब्रह्म विदो ब्रह्म एव भवती, कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म जैसा ही हो जाता है। किस अवस्था में? जब वो व्यक्ति परमात्मा में डूब जाता है, जब गहरी समाधि में चला जाता है, और गहरी समाधि में जाने के बाद उसकी आत्मा परम धाम में विचरण करने लगती है, उसकी आत्मा परमात्मा के स्वरूप को दर्शन करने लगती है। तो समझ लीजिए कि दोनों अरस परस हुए। दूसरा उदाहरण देता हूं, जैसे लोखंड को अग्नि में डालने के बाद लोखंड अग्निवत हो जाता है, अपने अस्तित्व को मिटा करके वो भी अंगारों की तरह लाल हो जाता है, और वही लोखंड अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है, वो अपने आप को ये सोचने लगता है कि मैं अग्नि हूं। इसी प्रकार जब कोई साधना में डूब जाता है, तब साधना में डूबने के बाद उसके भाव परिवर्तित हो जाते हैं, उसकी अवस्था परिवर्तित होती है, और उसी को उपनिषद ने कहा ब्रह्म विदो ब्रह्म एव भवति, कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म समान हो जाता है। पर वो तब तक रहेगा जब तक वो परमात्मा के स्वरूप में डूबा रहेगा। ऐसा मत सोचिए कि एक बार डूब गया और फिर वापस निकल गया, दर्शन होने के बाद भी घूमता रहा, तब तक वो परमात्मा के स्वरूप में ही डूबा माना जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कभी जब उसकी अवस्था थी तब वो डूबा हुआ था, कभी उसकी अवस्था सामान्य भी रह सकती, परमात्मा से अलग भी हो सकता है। इसलिए जब डूबी अवस्था रहे तब उसको ब्रह्म अवस्था बोलेंगे। और उस अवस्था का यहां वर्णन लिखा है कि होई नैन नैन से सेन, कि जब उसकी आत्मा परमात्मा का दर्शन कर रही होगी। जैसे मोहम्मद साहब का एक प्रसंग लूं, जब मोहम्मद साहब परमधाम के अंदर प्रवेश किए, तो परमधाम में प्रवेश करने के बाद मोहम्मद साहब जब परमात्मा के स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, तो स्वयं वर्णन करे कि क्या वर्णन करूं उस नूरी स्वरूप का, जिसकी अमृत झुलपे हो, जिसकी अमृत सूरत हो, मैं उसका वर्णन अपनी जुबान से कैसे कर सकता हूं। कहता है कि इस दुनिया में मेरे पास कोई लफ्ज यानी शब्द नहीं है, मैं उस परमात्मा के खुदा के स्वरूप को कैसे वर्णन करूं। तो भी उन्होंने उस परमात्मा को नूर शब्द से संबोधित कर दिया। कहा उन्होंने क्यों सोई खुदा नूर है, कि वो परब्रह्म नूर स्वरूप है, उस नूर स्वरूप को, उस नूरी प्रकाशमान स्वरूप को इस दुनिया में मैं कैसे बताऊं। और उसी को जैसे वेद ने कहा वेदा हमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्ण तम स परस्तात, कि हे मानव, जो आदित्य वर्ण स्वरूप परमात्मा है उस परमात्मा को तू वर्ण कर, तम स परस्तात, जो प्रकृति के बंधन से परे उस परम धाम में है, ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय, कि और कोई मार्ग नहीं इस मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का, एक ही मार्ग है जो केवल परमात्मा को पाने का और उसकी राह पर चलने का, उसको अपने हृदय में वर्ण करना, उसको अपने हृदय में धारण करना। गायत्री मंत्र में भी यही शब्द कहा तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, के हे मानव, उस सविता स्वरूप प्रकाशमान स्वरूप को तू वर्ण कर, और धियो योना प्रचोदयात। अंतिम चरण में इस बात को कह दिया उन्होंने कि हे परमात्मा, मेरी बुद्धि को उस जगह ले चलो जिसके बारे में मेरी बुद्धि सदा चिंतन करती रहे आपके विषय में। ये वेद मंत्र का सिद्धांत है, जबकि वेद भी इस बात को कह रहा है कि हमें उस जगह को कैसे अपने दिल में धारण करना है। वाणी की इस चौपाई में, इस प्रकरण में एक चौपाई में कहा है, जो हक अंग दिल में नहीं, कि जब परमात्मा की छवि अपने हृदय में नहीं, सो अंग रूह का फरामोश। समझ लीजिए कि वही आत्म का अंग यानी वही आत्मा फरामोशी में, जब हक अंग आया दिल में, जब परमात्मा का अंग परमात्मा की छवि अपने दिल में आने लगी, सोहरू अंग आया माए होश, तो जब परमात्मा का स्वरूप अपने हृदय में विराजमान हो जाएगा, तो उस समय परमात्मा की ओर आत्मा चिंतन करेगी, परमात्मा में डूबी रहेगी। इसलिए जब आपने कभी देखा होगा जो परमात्मा की राह पर चलने वाले लोग हुए, जैसे महाराज श्री राम रतन दास जी हुए,
जब उन्होंने परमात्मा के बारे में चिंतन किया, चिंतन करते करते इतने डूब चुके थे कि डूबने के बाद उनकी अवस्था इतनी चली गई कि एक समय आया कि उनको वस्त्रों का भी भान नहीं रहा, ना शरीर का भान ना वस्त्रों का भान। ऐसी परम अवस्था प्राप्त हुई, जिस परम अवस्था को प्राप्त करने के बाद आत्मा उनकी परमात्मा के सानिध्य में पहुंची और वही आत्म परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करती है, परम धाम का जर्रे जर्रे का दर्शन करती है। सोचिए कि एक ब्रह्म अवस्था का व्यक्ति कैसा हो सकता है, जिस अवस्था के अंदर मानव अपना अस्तित्व भूल जाए और परमात्मा में डूब जाए। समझ लीजिए कि वही एक परम अवस्था है और उस परम अवस्था में प्रवेश करने के लिए हर सुंदर सात को यह वाणी संबोधित करती है कि मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, कि उस परमात्मा के मुखारविंद का मैं वर्णन करूं। रंग अति उज्जवल गुलाल किस दुनिया के किसी भी शब्दों से उसका वर्णन नहीं कर सकती, पर तो भी उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करना चाहूंगी। इंद्रावती की आत्म उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करती है और नूरी और प्रकाशमान स्वरूप का वर्णन कर देती है, जिसका फायदा हम हर सुंदर साथ को प्राप्त है। और राजजी महाराज ने पूरी ब्रह्मवाणी परमात्मा के स्वरूप का सागर ग्रंथ और श्रृंगार ग्रंथ के अंदर एक बार नहीं, तकरीबन 7 बार सागर और श्रृंगार में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया। क्यों? क्योंकि राजजी जानते थे एक बार में शायद किसी को समझ में ना आए, तो इस जैसे श्यामा महारानी को पहली बार राज्य मिले सिपाही के भेष में, श्यामा महारानी को महसूस तो हुआ, देवचंद्र जी को महसूस तो हुआ कि ये मेरी आत्म के मालिक हैं, पर तो भी वो पूर्णतया पहचान नहीं कर पाए। फिर दूसरी बार कृष्ण के रूप में दर्शन दिया, ब्रज स्वरूप में दर्शन दिया, तो भी पूर्ण पहचान नहीं हुई। पिया किए अति प्रसन्न 3 बेर दिए दर्शन, 3 बार, तीसरी बार जब दर्शन होने लगा और तीसरी बार दर्शन होते होते राज्जी ने एंड में श्यामा महारानी को पूछा कि हे श्यामा महारानी, तुम कौन हो और मैं कौन हूं, जरा इसकी पहचान बताओ। तब श्यामा महारानी ने क्या कहा, हम एता जानत तुम हमारे खावन। राज्जी महाराज ने इतना पूछा और श्यामा महारानी ने उत्तर दिया कि हम इतना जानते हैं कि आप हमारे खावंद हो, आप हमारे आत्मा के मालिक हो, हम इतना जानते, उससे आगे हम जानते नहीं। आप सोचिए कि जिसने 30 वर्ष की लंबी यात्रा की हो, 30 वर्ष तक परमात्मा की खोज की हो, श्यामा महारानी को 30 वर्ष के बाद परमात्मा के स्वरूप की पहचान होती है और वो फरामसी का पर्दा टूटता है, जिस पर्दे से श्यामा महारानी बाहर आती है और अक्षरातीत को अपने हृदय में बिठाती है। यही है फरामोशी से बाहर निकलने का एक तरीका, यही प्रसंग इंद्रावती का है, यही प्रसंग लाल आसबाई की आत्म का है। हर व्यक्ति इस मार्ग से निकलता है, इसीलिए कह रहे जब हक अंग में आया सोहरू अंग आया माहे होश, कि जिस समय परमात्मा का अंग परमात्मा का स्वरूप अपने हृदय में आने लगेगा तो समझ लेना कि हमारी आत्मा जागृति की ओर चल पड़ी है। केवल हम ज्ञान सुने और ज्ञान सुनकर के चले जाएंगे तो आत्मा जागृति नहीं, ये हमारी जीव की जागृति हो जाएगी। हमारा जीव गलत मार्गों से सही मार्ग की ओर चल देगा। जो गलत आदतें पड़ी हैं, जो गलत परंपरा में चल रहा है, ये जीव, ये मन बुद्धि अहंकार जो गलत चीजों के पीछे भाग रहा है, ये जीव सुधर करके ज्ञान के धरातल पर आएगा और ज्ञान की धरातल पर आने के कारण से जीव जागृत होगा और जीव आत्मा को बल देगा। जब जीव आत्मा को बल देने लगेगा तो आत्मा को सपोर्ट मिलने से आत्मा परमात्मा की ओर चलने लगेगी, और यही आत्मा परमात्मा की ओर जब चलने लगेगी तो धीरे धीरे आत्म और जीव दोनों के संगम से परमात्मा की प्राप्ति होगी। एक उदाहरण दिया जाता है कि जीव अंधा है और आत्म देखती है, पर एक संसारिक उदाहरण है, पर आत्म चल नहीं सकती। आत्म को लंगड़ी करके वर्णन किया है,
और जीव को अंधा करके वर्णन किया। हकीकत में जैसे रियल कोई लंगड़ा और अंधा नहीं है, पर ज्ञान रूपी आंखें ना होना, तो इसीलिए वहां पर वर्णन करे कि जैसे इन दोनों को अपनी मंजिल को प्राप्त करना है तो जीव को अपना कदम पहले भरना होगा। जिस समय जीव अपने कदम पहले भरेगा तो आत्म भी अपने कदम भरना शुरू कर देगी। इसलिए दोनों अरसपरस होकर के परमात्मा की ओर आगे बढ़ेंगे। अपने जीव के संस्कार को बदलने की जरूरत है, और जिस दिन जीव अपने संस्कारों को बदलेगा तो समझ लीजिए कि इश्क बिना रूह के दिल चुभे ना सूरत हक। ये जीव जब इश्क में यानी प्रेम में डूबेगा तब निश्चित रूप से आत्मा भी परमात्मा की ओर चलने लगेगी। और जब आत्मा परमात्मा की ओर चलने लगे तो समझ लेना कि दो अंग खड़े होए रूह के जो होवे रूह मोमिन। जब परमात्मा के नयन परमात्मा की छवि अपने दिल में आने लगेगी, परमात्मा का मुखारविंद अपने दिल में आने लगेगा, परमात्मा की छवि आने लगेगी, तो ये आत्मा जागृति की ओर जाएगी। इसलिए ये आत्मा जागृति फरामोशी को तोड़ने का पर्दा इन्हीं वाणी के अंदर लिख दिया जो मैंने पिछले चौपाई बोली थी। रूह तेती जागी जानियो जेता दिल में चुभे हक। हक अंग जो अंग हृदय ना आईया रूह के तेती फरामोशी संग। ये चौपाई हमें हर सुंदर साथ को परमात्मा की चितवनी करने के लिए कहती है, बारंबार चितवनी के लिए आह्वान करती है और आत्मा जागृति की ओर ले चलने के लिए ये चौपाई कहती है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम अपनी आत्मा जागृति की ओर आगे बढ़े, और ये जागनी यात्रा का मकसद यही है। जिन तक ज्ञान नहीं पहुंचा उन तक ज्ञान पहुंचे, जिन तक ज्ञान पहुंचा है वो व्यक्ति आत्मा से जागृत हो, यही इस जागनी यात्रा का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो ये प्रसंग अपनी आत्मा जागृति का है जो फरामोश में पड़ी है, इस फरामोशी से निकलने का प्रसंग है प्यारे सुंदर साथ जी। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराएंगे, रूह तेती जागी जानियो